जय श्री राम। आप देख सकते हो हम आपको बताएंगे कि कलफ या स्टार्च कैसे बनाई जाती है। हम सिर्फ दो कपड़ों के लिए स्टार्च बना रहे हैं कलफ। आप देख सकते हो हमने सबसे पहले एक चम्मच अरारोट ली है और हम इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड करते हैं। ये सिर्फ हम दो कपड़ों के लिए बना रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे और इसमें क्या मिलाना पड़ता है। इसके अंदर हमने पानी मिला लिया है, देख सकते हो, और इसको फिर हम अच्छी तरह अपने हाथों से इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। आप देख सकते हो इसको, हमने गैस चला लिया है। अब आप देखते हो हमने इसको गैस पे रख दिया है और हमें इसको थोड़े थोड़े हाथों से हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। इसको धीरे धीरे हिलाते रहो, कम से कम 4-5 मिनट लगेगी इसको हिलाते रहना पड़ेगा हमें। आप देख सकते हो गैस तेज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मंदा है तो हम गैस को तेज भी कर सकते हैं। अब देख सकते हो हमारी ये कलफ मावा रिवाइव तैयार हो चुकी है। हम इसको सब अलग अलग किसी भी प्रकार से, कोई स्टार्च बोलते हैं, कोई कलफ बोलते हैं, कोई मावा बोलते हैं, जो हम सफ़ेद कपड़ों में कड़क करण देने के लिए देते हैं। और ये हमारी बन के बिल्कुल तैयार है और हम आपको बताएंगे कि इसको अभी तो हम इसको सब कपड़े में छानेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे कपड़े में छान कर कैसे लगाई जाती है। देख सकते हो गाढ़ी हो चुकी है ये, देख सकते हो कलफ बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको हमारे इस सूती कपड़े में छानेंगे एक बार। अब देख सकते हो इसको या आप सूती कपड़ा या किसी छाननी में इसको छान सकते हो। और ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है। हमारी रिवाइव कलर कड़क बिल्कुल तैयार है। आप इसको हम कम से कम 4 कपड़ों में इसको लगा सकते हैं। आप भी अपने घर में इसको बना सकते हो बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री श्याम।